दोस्तों, जब से सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी जान ली है तब से ही मीडिया में और लोगों में एक बहस छिड़ी हुई है उसकी मौत के कारणों को लेकर। और ऐसे में किसी की मौत के दुख से ज़्यादा उस पर स्पेकुलेशंस हावी हो जाती है। आउटसाइडर है, इनसाइडर है, वगैरह वगैरह, ये सब चलता रहेगा। ये आज का दस्तूर नहीं, ऐसा सालों से होता चला आ रहा है। पर आज मैं उन हज़ारों लाखों नौजवानों से मुखातिब होना चाहता हूँ जो हिंदुस्तान के छोटे छोटे शहरों से मुंबई नगरी में आते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए। हो सकता है इन सब खबरों को देखकर, सुनकर आपके या आपके माता पिता के मन में एक शंका, घबराहट पैदा हो रही हो कि कहीं मैं गलत जगह तो नहीं आ गया। क्या ऐसा ही होता है इस नगरी में? क्या मैं एक आउटसाइडर ही बनकर रह जाऊंगा? और इस लॉकडाउन के अकेलेपन ने आपको थोड़ा और झकझोरा होगा, मायूसी थोड़ी और गहरी उतर गई होगी। माता पिता के फोन आ रहे होंगे कि बेटा वापस आ जा अपने छोटे से शहर में, हमारी तरह एक आम आदमी की जिंदगी जीने के लिए। उस बड़े शहर में शायद तेरा कोई स्थान नहीं है। आज से 39 साल पहले जब मैं मुंबई आया था तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। अरे गंजा है, केंकड़े जैसा पतला है, हिंदी मीडियम स्कूल का है, एक्टर बनने के लिए बाल चाहिए, टैलेंट तो किसी के पास भी हो सकता है। और 1981 में ये बातें सही भी थी। क्रिटिसाइज करने वाले, आपको नीचा दिखाने वाले, आपके हौसलों को पस्त करने वाले आपको आपके आसपास हमेशा दिखाई देंगे। पर दोस्तों, हारना नहीं है, अपने सपनों को बीच में ही छोड़ना नहीं है, घबराना नहीं है। जब मैं एक बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा था, रेलवे प्लेटफॉर्म पर सो रहा था, तो मेरे दादाजी ने कहा था कि बेटा हार मत मानना, क्योंकि भीगा हुआ आदमी बारिश से नहीं डरता। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप कहीं भी हो, एक छोटी सी चौल के कमरे में 3 लोगों के साथ कमरा शेयर करते, या पेइंग एज अकोमोडेशन में रहते हुए, या शायद किसी प्लेटफॉर्म पर भी। पर हारना नहीं है, उदास होना है, मगर सपनों को हमेशा उदासी से बहुत आगे रखना है। बस मेहनत करो, और जब उदास हो तो दोस्तों से, अनजान लोगों से बातें करो। माता पिता को फ़ोन करो, उन्हें बताओ कि तुम उदास हो, अकेले हो, मगर अपने इरादों पर अटल हो, हारे नहीं हो। उनका प्यार, उनका आशीर्वाद आपके अंदर एक शक्ति पैदा करेगा। माता पिता के आशीर्वाद से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है इस दुनिया में। अकेले रहो मगर दृढ़ रहो, क्योंकि दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको आपके सपनों को पूरा करने से रोक सके। शायद सुशांत सिंह राजपूत बहुत अकेला था, या उसे क्या दुख सता रहा था हम नहीं जानते, पर इससे बड़ा ट्रिब्यूट हम उसे क्या दे सकते हैं कि आउटसाइडर बनकर हम हारे नहीं। हमारी जीत उसके लिए हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। और एक बात और, ये मुंबई शहर दुनिया का सबसे दयालु शहर है। इस शहर ने हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों के सपने पूरे किए हैं, और सिर्फ फिल्म के क्षेत्र में नहीं, किसी भी क्षेत्र में। और एक बात और, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के लिए अपने मन में शंका नहीं रखना है। ये इंडस्ट्री बहुत अच्छे लोगों से भरी पड़ी है, और यही के लोग आपका हाथ पकड़कर आपको आपकी सफलता के शिखर तक लेकर जाएंगे। और फिर मेरी वो फेवरेट पोएम की पंक्तियां हमेशा याद रखना। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में सांस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जय हो।